आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं अपने पोको M6 5G में। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट, फेस डाटा एंड स्क्रीन लॉक। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक सबसे पहले लगा लेनी है अगर आपने नहीं लगाई है, या आप डायरेक्टली फिंगरप्रिंट पर जाते हैं। जैसे मैं फिंगरप्रिंट पर जाता हूँ तो यहाँ पर पैरा के लिए कह रहा है कि आप स्क्रीन लॉक लगा लीजिए, अगर आपने लगा रखा तो ठीक है, अदरवाइज आपको लगा लेना। जैसे मैं यहाँ पे पैटर्न लगा लेता हूँ, पैटर्न लगाने के बाद ये कह रहा है कि अगर आप पैटर्न भूल जाते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर फ़ोन रिसेट करना पड़ेगा वो, क्योंकि आपका जो पैटर्न लॉक है वो कभी हटता नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम गॉडेट कर लेते हैं, हम याद भी रखेंगे। तो ये मैं सिंपल सा डाल रहा हूँ फिलहाल, तो आप हार्ड सा आप यहाँ पैटर्न को डाल लेना। दो बार डालने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड योर फिंगरप्रिंट लिखा आ चुका, अब यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है। तो चलिए करते हैं ऐड। आपको हटाना है, लगाना है, हटाना है, लगाना, और उंगली घुमा घुमा के आपको इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी कर कर के ऊपर से नीचे से आपको इस तरीके से फिंगरप्रिंट पे रखते रहना है, ठीक है, ताकि पूरे आपके कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, भैया हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये क्या रहा, फेस लॉक भी लगाना चाहते हैं, अगर लगाना चाहते हो तो ऐड पर क्लिक कर देना, अदरवाइज कैंसिल करके डन कर देना। तो यहाँ पे आप देखिए फिंगरप्रिंट 1 लग चुका है। इसका आप चाहे तो नाम भी लगा सकते हैं, जैसे मेरा फिंगरप्रिंट है तो मैं BP लिख के इसको डन कर देता हूँ। और भी फिंगरप्रिंट ऐड करने हैं तो ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके आप और भी फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे को तो नहीं ऐड करना है इसलिए मैं बैक कर देता हूँ। और यहाँ पर और भी आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर लॉक, यहाँ पर लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन मेथड, प्रेस करने या टेप करने पर। तो अगर आप यहाँ पर देखिए टच और यहाँ पर प्रेस लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैं इसका ट्राई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने टच पे क्लिक कर रखा ना, तो मैं यहाँ पे लॉक हो गया मेरा फ़ोन। मैं सिंपल इसको टच करूँगा, टच करने से मेरा फ़ोन यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। लेकिन अगर मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे टच करने के बाद हमारा फ़ोन यहाँ पे नहीं अनलॉक होगा, बल्कि मेरे को इसको दबाना पड़ेगा, जब जाके यहाँ पे हमारा फ़ोन अनलॉक होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं लॉक स्क्रीन को, आपको कहाँ पे यूज़ करना है, मतलब फिंगरप्रिंट को कहाँ पे यूज़ करना है, लॉक स्क्रीन पे, प्राइवेसी पासवर्ड पे, ऐप लॉक पे, फिंगरप्रिंट पेमेंट्स पे। तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप जहाँ भी यूज़ करना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं लॉक स्क्रीन पे ही यूज़ करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ से सेटिंग्स को इसको इनेबल डिजेबल कर सकते हैं।